त्रिया चरित्र की कहानी यदि याद कर ली, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज जो इस वीडियो में कहानी लेके आया हूं, ये कहानी त्रिया चरित्र की है, जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देके जाएगी। अतः आपने इस कहानी को पूरी तरह सुन लिया और समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है, नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब कुर्मा ढकले, नहीं तो नंगी की नंगी है। मित्रों, उन माँ बहनों से क्षमा चाहूंगा जो इस कहानी का निष्करण अपने ऊपर न ले जाए और ये न सोचें कि इस कहानी में हम नारी जात की बुराई कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ बहनों। ये कहानी उन नारियों के लिए सुझाव देती है जो अपने स्वयं के गंदे चरित्रों से एक सज्जन सुशील पतिव्रता व आदर्श नारी जात को बदनाम करवाती हैं और खुद समाज में हमेशा के लिए अपमानित हो जाती हैं। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं इस कहानी की ओर। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना। आइए मित्रों, इधर उधर की ज्यादा बातें न करते हुए सीधे कहानी पर गौर करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके धर्म की चर्चाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसके एक राजकुमार था, लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 12-14 साल की उसकी उम्र थी, जो बड़ा सुंदर ही राजकुमार था। मित्रों, राजा ने अपने राजकुमार की शादी कर दी, और कितनी अवस्था में शादी की, लगभग 14 साल की अवस्था थी उस राजकुमार की, तभी शादी कर दी। दोस्तों, इधर राजा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने विचार किया कि हम अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी, और पहले राजाओं का नियम था कि राजा लोग एक नहीं बल्कि कई कई शादियां करते थे और अपने घर में रानियां बना करके लाते थे। दोस्तों, जब राजा ने अपने राजकुमार के लिए राजा बना दिया, उसकी शादी हो चुकी थी, और एक नहीं उस राजकुमार के भी 7 विवाह हुए थे, यानी 7 रानियां आई थी। दोस्तों, वह राजकुमार जो राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था, रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है कि जब वह नया राजा पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। पनिहारिन ने उस नए राजा से पूछा कि हे राजा साहब, आप कहां रोज जाते हैं? तब वह नया राजा कहने लगा, मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। पनिहारिन कहने लगी, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? जवाब दिया, नहीं। तो पनिहारिन कहने लगी, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजा कहने लगा, त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारिन ने कहा, ये अपने गुरु से जाकर के पूछना और त्रिया चरित्र को जरूर पढ़ना। जवाब दिया, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा और जाकर के अपने गुरु से कहूंगा कि मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। दोस्तों, इतने शब्द कहने के बाद में उस पनिहारिन से वे नया राजा अपने गुरु के पास में पहुंचा, गुरु जी को प्रणाम किया, और उसकी आंखें कुछ लाल थी, क्रोध में था। गुरु जी ने पूछा, बेटा आज क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तो क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने हमें त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने हमसे क्यों छिपाई? ये पाठ आपने हमसे क्यों छिपाया जो त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बताया और ना ही मुझे पढ़ाया? मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाओ। गुरु जी कहने लगे, बेटा त्रिया चरित्र तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना ये खतरे से खाली नहीं होता है, और त्रिया चरित्र जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जवाब दिया, गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, लेकिन आप हमें त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाएं। दोस्तों, वही हुआ। अब गुरुजी जो थे उस नए राजा के लिए त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ाने लगे, त्रिया चरित्र की विद्या पढ़ाने लगे। दोस्तों, इसी तरीका से पढ़ते पढ़ते उस त्रिया चरित्र के लिए उस नए राजा को 1 साल हो गए,
और जब एक वर्ष हो गया तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाब दिया ठीक है गुरुदेव। जैसे ही वह नया राजा चलने के लिए तैयार हुआ तो गुरुजी ने रोक लिया और कहा कि बेटा हम तुम्हें ये एक ऐसा गुटका देते हैं, ये गुटका जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। बोले ठीक है। नए राजा ने गुरुजी से गुटका ले लिया। फिर गुरुजी ने कहा इस गुटका को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही रात में अपने राजमहल से बाहर निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और पूर्व दिशा की ओर जब जाओ तब ये गुटका अपने कान में लगा लेना और वहीं खड़े हो जाना। जवाब दिया ठीक है गुरुदेव। दोस्तों वह गुटका लेकर के वह नया राजा चला आता है और इसी तरीका से जब शाम होती है, अर्ध रात्रि का समय होता है, उसकी जो रानियां थी जिसने 7 विवाह किए थे वो रानियां सभी सो जाती हैं और आधी रात के समय अपने गुटका को लेकर के वह नया राजा अपने राजमहल से बाहर के लिए चल देता है। दोस्तों वह राजा राजमहल से निकल करके पूर्व दिशा की ओर कुछ दूर पर जाकर के जब गुटका को लगा करके खड़ा हो गया तो उसने क्या देखा कि भाई पनिहारिन जो उसे रास्ता में मिली थी, जिसने कहा था कि त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ो, भाई पनिहारिन अपनी थाली में भोजन लेकर के और अर्ध रात्रि के समय 12 बजे जा रही थी। एक महात्मा जी कुछ दूरी पर अपनी झोपड़ी में रहते थे, अपनी कुटिया में रहते थे, वहीं की ओर जा रहे थे। राजा ने देखा ये वही पनिहारिन है जिसने हमें बताया था त्रिया चरित्र पढ़ो, लेकिन उस पनिहारिन ने उस राजा को नहीं पहचान पाया क्योंकि उस राजा के कानों में गुटका लगा हुआ था। दोस्तों राजा ने विचार किया चलो इसके पीछे चलेंगे और ये महात्मा जी की कुटिया की तरफ इतनी रात में क्यों जा रही है और ये भोजन लेके क्यों जाती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों वह राजा भी उसके पीछे पीछे छिपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उसी कुटिया में उस साधु के पास पहुंची है जिसके पास एक जादुई पोटली थी, वो जादूगर बाबा था। दोस्तों राजा पीछे पीछे गया, वह छिप करके देख रहा था कि ये पनिहारिन और साधु अब क्या करेंगे। तब साधु ने कहा उस पनिहारिन से, अरे पनिहारिन ये बता कि आज तुझे इतनी देर आने में क्यों लग गई, कहां रही। हाथ जोड़ करके वह पनिहारिन कहने लगी महात्मा जी हमारा गौना हो चुका है और हमारे पति महाराज हमें बुलाने के लिए आए हैं, कल हमें यहां से ले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलाने में देर लग गई और इसी कारण हमें आने में यहां देर हो गई। दोस्तों जब उस साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है, इसका पति बुलाने के लिए आया है, तब वह साधु कहने लगा ए पनिहारिन तो इसका मतलब है कि तू अपने पति के साथ जाना चाहती है तो हमारे यहां क्यों आई, चली जा यहां से। ये सुनकर के पनिहारिन ने कहा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूं। जवाब दिया ठीक है पनिहारिन तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या। दोस्तों साधु ने एक लंबा सा चाकू निकाला और उस पनिहारिन को दिया और कहा कि जा तू अपने पति की गर्दन को काट करके यहां ले आ, अपने पति को मार दे जो हमारे और तेरे बीच में तेरा पति दीवार बन रहा है, तब मैं तुझे अपने पास में रखूंगा और तुझसे विवाह करूंगा और तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों बिना सोचे समझे ही वह चाकू को लेकर के पनिहारिन भागती हुई अपने घर पे पहुंची और उसका पति जहां सो रहा था अपने पति की गर्दन को काट दिया और सर को लेकर के कटी हुई गर्दन को लेकर के और साधु के पास में पहुंच गई। और इधर राजा जो थे पीछे पीछे उसके लगे हुए थे जो सारा कारनामा ये देख रहे थे। दोस्तों जब साधु ने देखा कि ये अपने पति को मार करके गर्दन को यहां ले आई है तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसके लात मारी और लात मार करके कहा कि भाग जा, अरे तुम अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तेरे साथ फेरे पड़े हैं, तू उसकी नहीं हो सकी, तूने उसे ही मार दिया, तू तो हमारी क्या होगी और आज के बाद हमारे यहां कभी मत आना, अगर दोबारा आई तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ये शब्दों को सुनकर के उस परिहारन के लिए ऐसा लगा कि जैसे मानो पैरों के तले जमीन खिसक गई हो, फिर भी अपने पति की गर्दन को कटी हुई लेकर के आई
और निराश थी और वो ही गर्दन अपने पति के धड़ से जोड़ दी और आराम से वहीं पर बैठ गई। इधर जैसे ही सवेरा हुआ तो अपने पति की लैस के पास में बैठ करके बुरी तरीके से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, देखो देखो हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी है, हमारे पति को किसी ने मार दिया है। दोस्तों ये सारा कारनामा वे उस रात का राजा देख चुके थे। इधर सारे गांव वाले उस पन्हारन के घर में इकट्ठे हो गए और उसकी लैस को लेकर के जब उसका दाह संस्कार करने के लिए गांव से बाहर निकले, पन्हारन भी पीछे से रोती हुई भागती हुई चली गई और वो ही राजा भी जा रहे थे जो नए राजा थे। पन्हारन रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो अपने पति के साथ में सती होऊंगी, क्योंकि जब हमारे पति ही नहीं रहे तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं तो अपने पति के साथ में ही सती हो जाऊंगी। दोस्तों ये राजा उस पन्हारन की बातें सुन रहा था, राजा को हंसी आई और राजा कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के सती हुई। दोस्तों ये शब्द राजा के उस पन्हारन ने सुने, बाकी जो और लोग थे वो तो राजा के ये शब्द नहीं समझ पाए, लेकिन वो पन्हारन समझ गई। पन्हारन कहने लगी, राजा साहब तुम हमारे ऊपर ये शब्द कह रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सती हो जाऊंगी। जाते जाते हम तुम्हें एक बात बताते। राजा बोला, क्या? जवाब दिया उस पन्हारन ने, सुनिए राजा साहब, आप जब कभी चटाई पर बैठें तो कृपया चटाई को झाड़ करके बैठना। राजा कहने लगा, पन्हारन क्या कह रही है, अरे हम तो राजा हैं, हमें चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। जवाब दिया, नहीं, जब भी कोई नौबत आए चटाई पर बैठने के लिए तो चटाई को झाड़ करके ही बैठना। बोले ठीक है। दोस्तों पन्हारन तो उधर अपने पति के साथ में चली जाती है। इधर राजा जो थे उसका अंतिम संस्कार करवाने के बाद में अपने घर चले आते हैं। इसी तरीका से पूरा दिन व्यतीत हुआ। इधर जब वही दूसरी रात आई और आधी रात हुई 12 बजे, अपने गुरु के कहने के मुताबिक वही गुटका कान में लगाया और रात में निकल करके पूर्व दिशा की ओर उसी जगह पर राजा पहुंच गया जहां पहले रात में खड़ा हुआ था। दोस्तों राजा कान में गुटका लगाए हुए खड़ा हुआ था। इधर उसने क्या देखा है कि वहीं से एक रास्ता था, उसी रास्ते से उसकी सातों रानियां अपने अपने थालों में भोजन सजाए हुए और उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। दोस्तों जैसे ही उस राजा ने देखा अपनी रानियों को उस साधु की कुटिया की ओर जाते हुए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा सोचने लगा, ये क्या चक्कर है। दोस्तों उन सातों रानियों में से एक रानी की नजर उस राजा के ऊपर पहुंच गई, लेकिन रानियों ने अपने पति राजा को नहीं पहचान पाया क्योंकि वो गुटका लगाए हुए थे और उस गुटका की ये करामात थी कि राजा को कोई पहचान नहीं सकता था। एक रानी ने उनमें से कहा कि ये लड़के यहां क्यों खड़ा है इतनी रात में, चल हमारे ये भोजन की थाली साथ में लेकर के और उस कुटिया तक पहुंचा दे। दोस्तों बिना सोचे समझे ही उस राजा ने वो थाली हाथ में ले ली और अपनी रानियों के साथ में उसी साधु की कुटिया की ओर उनके साथ में चल दिया। रानियां राजा को साथ लेकर के जब महात्मा के पास में पहुंची हैं, लेकिन राजा चुपचाप था। राजा ये सब देखना चाहता था कि हमारे अंदर ये महल में क्या कमी है जो हमारी ये सातों रानियां इस साधु के पास में आती हैं, और इस साधु के पास में क्या चीज है, ऐसा क्या है जो हमारी रानियां भी यहां आ रही हैं। राजा ये छिपकर के सब कुछ जानना चाहता था। दोस्तों इधर जब राजा को लेकर के वे सातों रानियां उस महात्मा के पास में पहुंची हैं तो कहा है महात्मा जी ने उसको राजा को देख करके, ये कौन है। जवाब दिया, महात्मा जी ये एक लड़का रास्ते में खड़ा हुआ था, हम इसे ले आया, इसने हमारा साथ दिया है और सहायता की है, ऐसा करते हैं इसे रात भर यहीं रुकने दो, सवेरे होते ही ये चला जाएगा। साधु जो था उनकी बात को सुनकर के सहमत हो गया। साधु ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जा एक कमरे में इसकी रुकने की व्यवस्था कर दे। शिष्य उस राजा को लेकर के गया और एक कमरे में खड़ा हो गया और जहां चटाई बिछी हुई थी और कहा कि देख भाई तुझे इस चटाई पर ही आज रात गुजारनी पड़ेगी और इसी पर सोना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है भाई। वह शिष्य तो चला आया। अब उस कमरे में अकेला राजा ही रह गया। राजा ने विचार किया आज नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की, चलिए कोई बात नहीं है,
आज रात हम चटाई पर ही गुजार लेते हैं। जैसे ही राजा चटाई पर बैठने के लिए होता है तो उसे पनिहारिन की बात याद आ गई, सोचने लगा। पनिहारिन ने यह कहा था कि जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो चटाई को झाड़ करके बैठना, चलो हम झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। दोस्तों जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो क्या देखा, चटाई हटाते ही एक भयानक बहुत गहरा कुआं दिखाई दिया। राजा ने जब ये देखा तो राजा के होश उड़ गए। इधर राजा ने कुआं के अंदर झांक करके देखा तो उसमें बहुत से कैदी पड़े हुए थे, उसमें बहुत से उसे लोग नजर आए जिन लोगों के लिए उस साधु ने उसमें डलवा दिया था, जो कुआं एक भक्सी की तरह था। दोस्तों उन कैदियों में से एक ने राजा को पहचान लिया और कहा कि राजा साहब आप यहाँ क्यों आए हो। राजा ने कहा धीरे बोलो नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब उन कैदियों ने कहा कि देखिए राजा साहब हम तो यहाँ फंस ही गए हैं, अब मैं निकल नहीं सकता हूँ। दोस्तों तब कैदियों ने कहा कि राजा साहब आप यहाँ से चुपचाप भाग जाओ और नहीं तो आपका यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है, आपको भी पकड़ करके ये साधु इसी में डलवा देगा। दोस्तों इधर राजा जैसे ही वहां से भागा, गुटका उसने कमरे में जाते ही अपना निकाल लिया था, राजा फिर गुटका लगाना भूल गया। दोस्तों राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया, तब रानियों ने देखा कि ये तो हमारे पति हैं, तो रानियां घबरा गईं। रानियां कहने लगी अरे महात्मा जी ये क्या हुआ, ये तो आज हमारी पोल पट्टी सारी खुल गई, ये तो हमारे पति हैं और ये भागे जा रहे हैं। साधु ने कहा अरे यहाँ क्या खड़ी कर रही हो, सातों जाओ और अपने पति को पकड़ करके लाओ। दोस्तों सातों रानियां उस राजा के पीछे पड़ गईं, लेकिन और रानियों में इतनी ताकत कहाँ थी जो राजा के साथ भाग लेती और राजा को पकड़ लेती। लेकिन सातों रानियों ने अपनी कोशिश जारी रखी, रानियां बहुत दूर तक राजा के पीछे भागती हुई चली गई। और इधर राजा भाग रहा था, आगे एक नदी पड़ी, राजा तैरना जानता था, राजा जो था उसी नदी में कूद गया और तैर करके नदी के उस पार पहुंच गया। लेकिन रानियां तैरना नहीं जानती थीं, रानियों ने अपने पति को जब देखा तो अच्छी तरह पहचान चुकी थीं कि ये तो हमारे पति हैं। अब रानियां घबरा गई, रानियों के होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी साधु के पास में आती हैं और कहने लगी महाराज अब हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, जैसे ही मैं घर पे जाऊंगी तो हमारे पति मुझे मार देंगे और हम सातों की हत्या कर देंगे, हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। दोस्तों तब उस साधु ने एक जादुई कील निकाल करके उनके लिए दी और कहा कि जैसे ही घर पे जाओ किसी तरह से अपने पति को फुसला करके मना करके ये जादुई कील अपने पति के माथे में ठोंक देना, सर में ठोंक देना, तो तुम्हारा ये पति राजा भेड़ बन जाएगा और उसके बाद में तुम सातों मिलके मार देना, कहानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों सातों रानियां तैयार हो गईं, जादुई कील को लेकर के सातों रानियां आई हैं। तो सातों रानियों ने विचार किया सबसे ज्यादा प्रेम इस छोटी रानी को करते हैं और वही कील उन छह रानियों ने छोटी रानी को दे दी और कहा कि यह तुम्हारा काम है राजा के सिर में एक कील को ठोकने का, लगाने का। बोले ठीक है। दोस्तों कील तो छोटी रानी के पास में पहुंच गई और जैसे ही सातों रानियां घर पे पहुंची तो राजा तो गुस्सा में खड़ा ही था। राजा ने जैसे ही सातों को आता हुआ देखा तो क्रोध में राजा कहने लगा एक बात बताइए, अंदर बाद में जाना, हमारे महल में हमारे राज्य में ऐसी क्या कमी थी जो तुम सातों उस साधु के पास में रोज रात्रि में जाती हो, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों सातों रानियों ने हाथ जोड़ लिए और कहा महाराज माफ करना, उस साधु ने कोई मोहिनी क्रिया करके हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे ये भूल बन गई, आज हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। छोटी रानी ने सारी बात अपने राजा से कह दी। दोस्तों राजा अपनी छोटी रानी के लिए बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। अपनी रानी की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर के राजा समझ गया कि इसका मतलब है कि उस साधु ने इनके ऊपर कोई मोहिनी क्रिया कर दी है, इसलिए हमारी ये रानियां सच बोल रही हैं। राजा ने उनकी बात को सही तरह से नहीं समझ पाया। उसके बाद में राजा तैयार हो गया और कहा कि अब तुम अपने अपने घर में चलो और भोजन बनाओ और भोजन खाओ, आराम करो। दोस्तों इधर क्या होता है, पूरा दिन इसी तरीका से निकल गया। इधर छोटी रानी ने और राजा ने बैठ करके शाम हुई, भोजन खाया और जब सोने का नंबर आया तो छोटी रानी बड़ी प्रेम से
अपने पति राजा के लिए, जो नया राजा था, अंदर महल में सुलाने के लिए गई और बड़ा प्यार दिया और राजा को सुला दिया। दोस्तों जैसे ही राजा सो गया तो और भी जो रानियां थी वो भी वहीं कमरे में आ गईं, और इधर छोटी रानी ने वो कील जादुई निकाली और अपने पति के सर में ठोंक दी, और जैसे ही कील ठोंकी पति भड़बड़ा के उठा, लेकिन पति वो राजा भेड़ बन चुका था, उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि उनसे मुकाबला कर सकता। दोस्तों वे सातों रानियां मारने के लिए राजा को भागी, लेकिन हिम्मत राजा ने नहीं हारी। राजा अपने महल में इधर उधर भाग रहा है, सातों रानियां राजा को मारने के लिए पीछे लगी हैं। बहुत देर तक राजा भाई महल में भागता रहा, अपनी जान बचाता रहा। उसके बाद में राजा के लिए एक खुली हुई खिड़की नजर आई, राजा उसी खिड़की से कूद गया और हिम्मत को बांध करके भागता हुआ अपने गुरुजी के पास में पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी माफ कीजिएगा, हमारी जान बचा लो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा तुम तो त्रिया चरित्र सीख रहे थे और तुमने त्रिया चरित्र सीखा, मैंने तुमसे मना किया था कि इसमें जान भी जा सकती है, अब सीखो त्रिया चरित्र और देखो। जवाब दिया, गुरुजी ये बातें छोड़ो, मेरी जल्दी जान बचा लो और नहीं तो हम मारे जाएंगे। दोस्तों गुरुजी ने कहा, क्या हुआ? राजा कहने लगा, मेरे सर में वो ऐसी कील ठोंक दी है कि मैं भेड़ बन चुका हूं। गुरुजी ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये उसी साधु की दी हुई जादुई कील है, इसीलिए तुम भेड़ बने हुए हो, अब हम तुम्हें नहीं बचा सकते हैं। जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूं और आपका धर्म है हमारी रक्षा करना, आपका कर्तव्य है हमें बचाना। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हें अब बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक उपाय है। बोले, क्या? हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब तुम तोता बन जाओ तो सुखवार राजा के राज्य में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि सुखवार राजा के राज्य में उस साधु का कोई जादू नहीं चलता है। बोले, ठीक है। इधर गुरुजी ने उस नए राजा के लिए तोता बना दिया और तोता बनने के बाद में वो उड़ा और सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच गया। सुखवाल राजा के राज्य में जब पहुंच गया और एक वृक्ष पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे, वहीं जाकर के बैठ गया। इधर उस राजा की जो सातों रानियां मारने के लिए राजा को फिर रही थीं, उनका वो बार खाली चला गया। फिर वो रानियां सातों भागी, साधु के पास में पहुंची हैं और कहा कि महात्मा जी, वो राजा साहब तो भाग गए, अब देखो राजा कहां है, कहां भाग के गए हैं। तब साधु ने अपनी जादुई वाली पोटली निकाली और उसमें देखा कि राजा एक तोता बने हुए सुखबाल राजा के यहां है। ये सारी बात रानियों को बताई। तब रानियों ने कहा कि हे स्वामी, अब क्या करें, अब कोई उपाय बताओ। तब साधु कहने लगा, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और ये घोषणा कर दो कि कोई भी अगर तोता पकड़ करके हमारे पास में लाएगा तो हम उसे 5 अशर्फी देंगे। दोस्तों वे सातों रानियां अपने राजमहल में लौट आती हैं और उन्होंने दरबारियों में यह घोषणा कर दी कि जितने भी बहलियां हैं उनसे कह दो कि अगर एक तोता ला करके हमें देगा तो हम उसे 5 अशर्फी देंगे। मित्रों हुआ ये, अब जो बहलिया उस राज्य के थे वो तोताओं को पकड़ करके लाने लगे और 5 अशर्फी लेते हैं, तोता रानियों को देते हैं और चले जाते हैं, और रानियां उन तोताओं की हत्या करने लगी। धीरे धीरे इसी तरीका से कुछ दिन बीते। दोस्तों इधर जब वो राजा तोता बने हुए उस वृक्ष पर पहुंचे थे तो वहां जाकर के उन तोताओं से बहुत बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी उनके लिए बातें बताई। तब उन तोताओं ने समझा कि ये तो तोता बहुत ही बुद्धिमान है और इसके अंदर बहुत ही विवेक है, ऐसा करते हैं ये राजा बनने के योग्य है और हम तोताओं का ये राजा बना देते हैं। तब सारे तोताओं ने उसे राजा बना दिया। दोस्तों इसी तरीका से बड़े आराम से वहीं पर वो राजा छिप करके तोता बन करके रहने लगे। दोस्तों इधर क्या हुआ, एक बहलिया सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है उसी वृक्ष के पास में जहां वह राजा तोता बना हुआ छिप करके रह रहा था, और जैसे ही उन तोताओं को देखा तो उस बहलिया ने विचार किया, चलो ठीक है, इतने तोता हम पकड़ करके ले जाएंगे और रानी को देंगे तो हमें बहुत सारी अशर्फियां मिल जाएंगी, लेकिन ये तोताओं को पकड़ेंगे कैसे। इधर वह जो वृक्ष था वह गोंद वाला वृक्ष था जिसपे बहुत सारा गोंद आता था,
रात्रि व्यतीत होने के बाद में क्या होता है, सवेरा जब होता है तो वही राजा जो तोता बना हुआ था उन तोताओं के साथ में अपने दाना पानी की तलाश में निकल जाता है। और इधर क्या किया है, बहेलिया ने एक चाल चली कि उसी वृक्ष पर अपने हथियार से बहुत से कट लगा दिए जिससे उसमें गोंद निकल आया, यानी पूरे पेड़ पर गोंद ही गोंद हो गया। सोचा कि जैसे ही तोता आएंगे तो इस गोंद में चिपक जाएंगे और आराम से हम पकड़ करके और उन्हें अगले दिन ले जाएंगे। अब जब शाम होती है तोता आते हैं, इधर बहेलिया छिप करके बैठ जाता है। दोस्तों जैसे ही सारे तोता उस वृक्ष पर आकर के बैठे तो उनके पैर जो थे उस गोंद में चिपक गए और जिसमें वो राजा भी थे वो भी चिपक गए। अब जब पैर चिपक गए तो तोता परेशान होने लगे, तो तोता ने अपने राजा से कहा कि कोई उपाय निकालो, अगर सुबह बहेलिया आ गया तो हमें पकड़ लेगा। तब राजा ने कहा आप घबराइए नहीं, जैसे ही बहेलिया आए तो आप बिल्कुल लटक जाना, ऐसे लटक जाना कि जैसे आप मर चुके हैं, वह समझेगा कि ये सारे तोता मर चुके हैं, वह छुटा छुटा के हम लोगों को नीचे फेंकेगा और सब नीचे गिर जाना, और जब तुम सब लोग छुट जाओ नीचे गिर जाओ तब आराम से भाग जाना। बोले ठीक है। सवेरा जब होता है, अगला दिन हुआ, भाई बहेलिया निकल करके आया और बहेलिया को आता हुआ देख करके सारे तोता उस राजा के कहने के अनुसार वहीं लटक गए। और जैसे ही बहेलिया ने देखा कि तोता सब लटके हुए हैं तो बहेलिया पछताने लगा, ये क्या हुआ, ये हमसे हत्या हो गई, पाप और बन गया, ये तो सब मर गए, अब हमें असरपी कैसे मिलेंगी। फिर बहेलिया ने सोचा चलो हम इन्हें छुटाई देते हैं, इतना परोपकार कर लेते हैं। बहेलिया वृक्ष पर चढ़ा और उसने सारे जो तोता थे सबको छुटा छुटा करके और नीचे जमीन पर फेंक दिया, केवल जो राजा छिपे हुए तोता बने रह गए। और जैसे ही सारे तोता जब जमीन पर गिर गए तो सब एकदम उड़ करके भाग गए। बहेलिया ने सोचा ये क्या चाल है, इस पे एक ही तोता है लटका हुआ है और बाकी जैसे ही मैंने सब फेंके तो सब उड़ के भाग गए, इसका मतलब है कि इन तोताओं ने मिलकर के हमारे साथ धोखा किया है। तो जो एक तोता लटका हुआ था, जो वही राजा थे, उन्हें आगे बढ़कर के पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी ये चाल है, अब हम तुम्हें ले चलेंगे और रानी के पास में जाकर के बेच देंगे, हमें 5 असरफी मिल जाएंगी। इधर जब बहेलिया तोता को बेचने के लिए चला है तो राजा ने पूछा आप ये बताइए कि हम मुझे कहां ले जा रहे हो, तो जवाब दिया हम रानियों के पास बेचेंगे। कितने में बेचोगे, बहेलिया कहने लगा हम तुम्हें बेचेंगे तो हमें 5 असरफियां मिलेंगी। जवाब दिया अगर हम तुम्हें 50,000 असरफियां दिलवाएं तो हमें नहीं बेचोगे। बोले तुझे बेचना तो है ही, तू कैसे दिलवाएगा। जवाब दिया सुनो बहेलिया, हम तुम्हें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुखबाल राजा हैं उनके यहाँ एक बाजार लगता है और तुम हमें वहीं जाकर के बेच दो, मोल में स्वयं बताऊंगा। दोस्तों तोता की बात को सुनकर के बहेलिया तैयार हो गया। अब उन रानियों के पास बेचने की बजाय बहेलिया जो था तोता को लेकर के सुखबाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है। और इधर सुखबाल राजा के राज्य में ऐसा नियम था कि पूरे दिन बाजार चलती थी और जिसका कोई माल नहीं बिकता था जब शाम होती थी तो सुखबाल राजा स्वयं आकर के उसके माल को खरीद लेते थे। दोस्तों इधर जब सुखबाल राजा के बाजार में बहेलिया तोता को लेकर के पहुंचा है तो वहां पर खरीदने वाले आए और पूछा कि ये कितने का बेचोगे, तो जवाब दिया कि ये हमारा तोता ही बताएगा। जब खरीदने वाले उस तोता से पूछते हैं तो तोता इतने पैसे बता देता है, 50,000 असरफियां बता देता है, जो पूरा दिन निकल गया उस तोता को किसी ने नहीं खरीदा। अब सारा बाजार उखड़ गया, सब लोग चले गए लेकिन वही बहेलिया और तोता रह गए। इधर राजा ने आदेश दिया दरबारियों से, कहा कि जाओ किसी का माल तो नहीं रह गया, बाजार में देख करके आओ। जब दरबारी लोग आए उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लिए वहीं पर बैठा हुआ है। तब दरबारियों ने पूछा आकर के उस बहेलिया से, भाई तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका, कितने का बेच रहे हो। तो भाई तोता कहने लगा जो 50,000 इनको असरफियां देगा वही हमें खरीदेगा। तोता की जब ये बात सुनी है तो दरबारी लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये तोता अपना मोल स्वयं बताता है। अब दरबारी सुखबाल राजा के पास में पहुंचे, सारी बात बताई कि एक बहेलिया तोता लिए बैठा है लेकिन वह तोता स्वयं अपना मोल बताता है।
और इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए किसी ने उसे नहीं खरीदा। राजा सुखबाल ने पूछा दरबारियों से कि ये बताइए भाई तोता कितना मोल बताता है। तब जवाब दिया कि भाई 50,000 असरफिया मोल बताता है। राजा ने कहा चलिए अब हम खुद ही चल करके उस तोता के लिए खरीदेंगे, अगर उसका तोता नहीं खरीदा वो वापस होकर के जाएगा तो बदनामी होगी कि राजा के बाजार से ये तोता नहीं बिका और बेचारा निराश होकर के लौट आया। दोस्तों अपने मंत्री को साथ लेकर के राजा रथ को सजा करके और जब बाजार में पहुंचा है वहीं वैलिया के पास में, उससे पूछा कि इसका क्या मोल है, तो जवाब दिया राजा साहब हाथ जोड़ करके बहलिया बोला एक मोल तो तोता ही बताएगा। और जब तोता से पूछा तब वह तोता कहने लगा राजा साहब जो इनको 50,000 असरफियां देगा भाई हमें खरीदेगा। इधर राजा ने 50,000 असरफियां दरबारियों से मंगाई और उस बहलिया के लिए पकड़ा दी और तोता को लेकर के राजा साहब अपने दरबार में आ गए। तोता बहुत ही बुद्धिमान था, आखिर को राजा था। अब वह तोता राजा साहब के लिए बहुत बहुत अच्छी बातें बताने लगा और कई ऐसे मौका होते हैं जो राजा के लिए खतरा होते हैं, तो खतराओं के बारे में भी वह तोता राजा को अवगत करा रहा है और बहुत बहुत अच्छी बातें बता रहा है, बुद्धिमानी की बातें बता रहा है। दरबारी लोग जब सुनते हैं तो बहुत से देखने के लिए आते हैं कि चलिए राजा ऐसा एक तोता लाए हैं जो बोलता है और बहुत बहुत अच्छी बातें बताता है। दोस्तों राजा साहब उससे बहुत प्रेम करने लगे और उस तोता की बहुत खास खुशामद कर रहे हैं और तोता उन्हें प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें रोज बता रहा है। इसी तरीका से उस तोता की अच्छी अच्छी बातों का जिक्र महल में रानियों ने सुना कि तोता राजा साहब लेके आए हैं जो दरबार में रहता है और बड़ा अच्छा ही तोता है। तो रानियों ने कहा राजा साहब से कि भाई तोता हमारे महल में पहुंचा दो, हम भी उस तोता को देखेंगे। दोस्तों इधर राजा ने मंत्री से कहा है कि इस तोते का पिंजरा रानियों के पास में महल में पहुंचा दो। मंत्री ने वह तोता का पिंजरा तोता सहित रानियों के पास में पहुंचा दिया। अब रानियों ने जब देखा तो रानियों के लिए भी तोता बहुत बहुत अच्छी बातें बताने लगा, बहुत बहुत विद्वान जैसी बातें रोज बताता है। उसकी बातें सुनकर के सारी रानियां प्रेम मुग्ध हो जाती हैं और कहती हैं कि बारे तोता इसीलिए राजा ने इसे 50,000 असरफियां देकर के खरीदा है, ये तो तोता बहुत काम की चीज है जो बहुत बहुत अच्छी बातें बताता है। अब तो क्या है कि उस तोता की वो स्वयं रानियां सेवा करती हैं, नहलवाती हैं और पूरे दिन उससे अच्छी अच्छी बातें सुनती हैं। दोस्तों कई दिन बीत गए। इधर एक रानी ने अपनी लड़की से कहा जो राजकुमारी थी कि आप भी इस तोता के पास आकर के बैठा करो और कल से तुम उसकी सेवा करो, तुम ही इसे नहलवा दिया करो। दोस्तों वह जो लड़की राजकुमारी थी इस काम के लिए तैयार हो गई। अगला दिन जब सवेरा हुआ तो वह तोता को पिंजरा से निकाल करके नहलवाने के लिए चली और तोता को नहलवा रही थी तो उसे तोता के सिर पे कुछ कट दिखाई दिया, कुछ चोट जैसी दिखाई दी। उसे ऐसा लगा कि इसके कुछ सिर में चुभा हुआ है। उसे देख करके उस राजकुमारी ने नहलवाते समय वो जैसे ही चोभा निकाला जो कील थी उसकी नजर आई। जैसे ही वो राजकुमारी ने वो कील तोता के सिर से निकाली अब वो तोता से एक सुंदर राजकुमार बन गया। और ये जब राजकुमारी ने देखा तो वह घबरा गई, चिल्लाने को हुई तो उस राजकुमार ने जो राजा था उस राजकुमारी का मुंह बंद कर लिया और कहा कि आप घबराइए नहीं, आप अभी ये कील वापस मेरे सिर में लगा दो और हमें तोता बना दो और रात्रि में मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। दोस्तों वही हुआ, तुरंत ही उस राजकुमारी ने वही कील पुनः राजा के सिर में लगा दी, अब वह तोता बन गया। इधर पूरा दिन जब निकल गया और जब रात होती है तब वही कील तोता की निकाली, वो राजकुमार बन जाता है, अपने कमरे में लेकर के गई लड़की वो राजकुमारी। और फिर उस राजकुमार ने जो राजा था अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी से कही कि माफ करना इस तरीका से हम अपनी जान बचाए हुए तोता बनकर के रह रहे हैं और तुम किसी को बताना नहीं और नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। दोस्तों उस राजकुमारी ने अपनी माताओं के लिए, अपने पिता राजा के लिए कोई ऐसी बात उस राजकुमार के बारे में नहीं बताई। आराम से दिन भर तोता बनकर के रहता है और रात्रि में भाई तोता के पिंजरा को राजकुमारी ले जाती है
और पुरुष बना करके पूरी रात उसमें रहते हैं कमरे में। इसी तरीका से कई दिन निकल गए, धीरे धीरे राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो गया था और उस राजा के लिए भी उस राजकुमारी से प्रेम हो गया था। आराम से रह रहे हैं। इधर क्या हुआ, उन रानियों ने बहुत सारे तोते पकड़वा के मरवा दिए, लेकिन उनका ये पति जो राजा तोता बना था वो सामने नजर में नहीं आया। फिर एक दिन साधु के पास में वो सातों रानियां गई और कहा कि वो तो नहीं आए हैं, वो अभी भी जीवित है, अब क्या करें। तब जवाब दिया साधु ने, अब ऐसा करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम तबला बजाएंगे, तुम नृत्य कला सीखो, और जब नृत्य कला सीख जाओ तो राजा सुखबाल के राज्य में कार्यक्रम करने के लिए, नृत्य गान करने के लिए चलेंगे और अच्छा अच्छा नृत्य गान सुनाएंगे, तब राजा कहेगा कोई कुछ मांगो तो हम उसी तोता को मांग लेंगे और आराम से उसको मार देंगे। बोले ठीक है। सारी रानियां तैयार हो गईं। अब इधर साधु तबला बजाता है और सातों रानियों के लिए नृत्य कला सिखाने लगा। धीरे धीरे एक साल व्यतीत हो जाती है। अब वो सातों रानियां पूरी तरह से नृत्य कला में निपुण हो चुकी थी और गाने बजाने में भी बहुत निपुण हो चुकी थी। जब साधु ने समझा कि अब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और तोता को मांग सकते हैं, तब वह साधु भेष बदल करके और रानियों को लेकर के सुंदर नृत्य कला वाली स्त्री बना करके और राजा सुखबाल के राज्य में दरबार में पहुंच गया। राजा सुखबाल ने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो जवाब दिया, हम नृत्य कला गान वाले हैं, हम आपके यहां दरबार में अपनी नृत्य कला दिखाएंगे और गान विद्या दिखाएंगे, सुनाएंगे। राजा सुखबाल को भी शौक था, वो तैयार हो गया। इधर वह साधु अपनी नृत्य कला करने लगा, गान विद्या करने लगा। जब उनकी आवाज तोता के कानों में पहुंची है तो तोता समझ गया कि ये सातों रानियों को लेकर के ये साधु यहां भी आ गया, अब हमारी जान नहीं बचेगी। इधर क्या हुआ, जब रात्रि होती है, पुनः तोता से जब पुरुष बनाया है उस राजकुमारी ने अपने कमरे में ले जाकर के, तब सारी बात कही है कि सुनो राजकुमारी, अब हमारी जान नहीं बचेगी, कल जो ये नृत्य कला वाले आए हैं इनसे राजा साहब कहेंगे कुछ मांगो तो ये हम ही को मांगेंगे और ले जाकर के हमें मार देंगे, अब हमारी जान कैसे बचे। तब उस राजकुमारी ने कहा, आप घबराइए नहीं, आप इसका रास्ता हमें स्वयं बताइए, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगी। तब राजकुमार ने कहा, सुनो राजकुमारी, जैसे ही सवेरे राजा साहब हमारे पिंजड़ा को हमें मंगवाए तो तुम कह देना कि हमें ये पिंजड़ा ये तोता नहीं देंगे, स्वयं राजा को भेज दीजिए, और जब राजा साहब स्वयं लेने के लिए आए तब आप जिद कर जाना कि मैं ये नहीं दूंगा, ये पिंजड़ा नहीं दूंगा, ये तोता नहीं दूंगा, और जब ज्यादा जबरदस्ती राजा साहब करें, क्रोध में आए, तो तुम भी गुस्सा में आकर के हमारे पिंजड़ा को फेंक देना, उस समय हम अपने बचने का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। बोले ठीक है, राजकुमारी तैयार हो गई। दोस्तों इधर पूरी रात नृत्य कला हुई। सवेरा जब होता है तो राजा प्रसन्न होकर के उन नृत्य कला वालों से, जो राजा की सातों रानियां थी, वह साधु था, उनसे कहने लगा, मैं तुम्हारी इस कला से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब वह साधु कहने लगा कि जो आपके पास में तोता है, जो राजमहल में रहता है, जो आपने कुछ दिन पहले खरीदा था, हमें उसी तोता को दे दो। बोले ठीक है। इधर मंत्री से कहा कि उस तोता को ले आओ। मंत्री राजकुमारी के पास में पहुंचता है और कहता है कि ये तोता हमें दो, राजा साहब ने मंगवाया है। तब राजकुमारी ने मना कर दिया, नहीं हम तोता नहीं देंगे। मंत्री ने कहा, नहीं आप जिद मत करिए, आपके पिताजी ने मंगवाया है और ये तो हमें ले जाना ही पड़ेगा। जवाब दिया, ठीक है तो हमारे पिता को ही तुम यहाँ भेज दो, वो स्वयं आकर के हमसे ले जाएं। मंत्री ने सारी बात उस राजकुमारी की राजा से कही। अब राजा स्वयं महल में राजकुमारी से वह तोता का पिंजड़ा लेने के लिए गया। दोस्तों इधर वह राजा अपने महल में गया है राजकुमारी के पास में, और राजकुमारी और उस पिंजड़ा को लेकर के जो तोता वाला था वही दरबार में पहुंच गया और कहा कि बेटी ये पिंजड़ा और तोता हमें दो और इन नृत्य कला वालों को देना है। दोस्तों वही साधु खड़ा खड़ा देख रहा है। जवाब दिया, पिताजी ये पिंजड़ा और तोता मैं नहीं दूंगा। तब क्रोध में आकर के राजा कहने लगा, बेटी कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैं वचन दे चुका हूं और ये तो इनको देना ही पड़ेगा, चिद मत करो। दोस्तों उस राजकुमारी ने जब राजा का ये क्रोध देखा तो राजकुमारी को भी क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के वह पिंजड़ा जमीन पर फेंक दिया, और जैसे ही पिंजड़ा जमीन पर फेंका
दोस्तों इधर पिंजरा तो वह टूट गया और पिंजरा जैसे ही टूटा तो वह तोता सरसों के दाने बन गया। इधर जब वह तोता सरसों के दाने बन गया तो जो साधु था वह कबूतर बन गया और कबूतर बन करके वो दानों को चुगने लगा। इधर दानों को चुंग रहा था, सारे दाने चुंग चुका था और जो एक दाना था वो नाली में बहता हुआ पहुंच गया जो स्वयं ही वो राजा थे। और इधर जैसे ही सारे दाने वह कबूतर चुंग चुका था जो वह साधु था जादूगर था दोस्तों, तभी उस राजा ने समझा जो एक दाना बचा हुआ था नाली में पड़ा हुआ था कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो उसी समय वही दाना एक बाज के रूप में परिवर्तित हो गया और जैसे ही बाज बना तो एकदम से उस कबूतर पे झपट्टा मारा जो वह साधु था और उस साधु को मार दिया। दोस्तों साधु का इस तरीका से वध हो जाता है। उसके बाद में ये देख करके राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर वह तोता बनता है और तोता बनने के बाद में फिर वो उसकी राजकुमारी बेटी उसके कील को निकाल देती है, तब वह पुनः राजकुमार बन जाता है। सारी बात सारी दास्तान उस राजकुमारी ने अपने पिता के लिए बताई है और पिता को बताने के बाद में राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर कहा राजा साहब ने कि सुनिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और ये जो सातों ये जो खड़ी है नृत्य कला वाली ये हमारी रानियां हैं और अब मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं, इससे हमें प्रेम हो चुका है। बोले क्या? बोले हाँ। इधर रानियों ने भी कहा ठीक है महाराज, इतना सुंदर इतना बुद्धिमान लड़का कहां मिलेगा जो राजकुमार है और इस राजकुमारी की शादी तो करनी ही है, तुम ऐसा करो इसकी शादी कर दो। राजा भी तैयार हो गया। इधर बेटी से पूछा तो बेटी कहने लगी पिताजी मैं तो इनसे ही प्रेम करती हूँ और मेरी शादी अगर इनसे ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। दोस्तों राजकुमारी की बात को सुनकर के हंसी खुशी राजा उस राजा के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है। और इधर वो राजा उस राजकुमारी को दुल्हन बना करके अपने राज्य में चला आता है और उन सातों रानियों को पकड़वा लेता है और बंदी गृह में पकड़वा करके उन्हें डाल देता है और खुशी खुशी उसी राजकुमारी के साथ में रहने लगता है। तो दोस्तों यही है त्रिया चरित्र। जिस त्रिया चरित्र को देखने के लिए पढ़ने के लिए राजा को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ गई। तो दोस्तों कहा है किसी ने कि त्रिया के चरित्र को देवता भी नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा जी ने भी नहीं पहचान पाया जिस ब्रह्मा जी ने एक नारी जात की रचना की है और वो भी त्रिया चरित्र को नहीं पहचान पाए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।